अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 3:30 बजे, यानी कि सहरी का फुल टाइम है, मजाल है। जो फातिमा जहरा ने मुझे रात एक सेकंड के लिए भी सोने दिया, और इस टाइम मैं बिल्कुल ऐसे निढाल सी हुई फिर रही हूँ। और घर में सब उठ गए हैं। फातिमा जहरा अभी अभी गई है अपने भाई के साथ आमिर को लेने। आमिर हैं शॉप पर, तो चलिए उधर से खटपट शोर की आवाज़ें आ रही हैं, चलिए देखते हैं। उधर सब उठ गए हैं। शगुफ्ता, आप तहज्जुद पढ़ने लगी हैं आप? हाँ जी, पहली सहरी की मुबारकबाद। और ये तो कब निकला था? अब देखो इसको हमारी इतनी याद आई है। ये देखो पंजे देखो, हाय अल्लाह, हानिया को चिपका हुआ है, मुझे चिपक रहा है, पूरे घर वालों को चिपक रहा है। और ये साहब रात 10:30 बजे के करीब घर से निकल गए थे, और अभी जो ही आयश ने दरवाज़ा खोला है तो ये अंदर इंटर हुए हैं। और ये ऐसे मरा हुआ था हमारी याद में, ये देखो कहाँ गया था। वही शुक्र है तो किसी कुत्तों के हाथ नहीं लगा, उन्होंने तो पकड़ के खा जाना था। कैसे घुसा हुआ है गोद में जैसे बच्चा हो आपका। अब इसको सबकी याद आ रही है, इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं बिछड़ गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। ये देखो आ गई सुबह सुबह, सारी रात नहीं सोने दिया इसने मुझे आमिर, सारी रात नहीं सोने दिया। बाबा ने चीज़ दे दी है, आप सहरी नहीं खाओगी? हैं, सहरी खाओ, ये चीज़ें रख दो। हाँ, आप बर्तन धो रही है, मेरे भी बर्तन पड़े हैं रात वाले। हाँ ये पड़े, धोती हूँ अभी। ये क्या लाए हैं आमिर? ये मुझे घी वाले चने लग रहे हैं, और ये दही लग रही है, और ये मैंने एक पराठा मंगवाया है, और ये मक्खन। सालन गरम हो रहा है, चाय उबल रही है, पराठा ठंडा हो गया था, अकड़ गया था। अच्छा, खाओ खाओ, बटर बटर खाओ, बटर है, बटर है, बटर है, खाओ खाओ खाओ। ऐसे नहीं खाते, बंद करके रख दिया आपने, नहीं खाना। ओके, ये है जी मेरी सहरी, चने कुछ ज़्यादा निकल आए हैं। मेरी सहरी तो आ गई, आमिर साहब मैं सहरी खाने लगी हूँ, आप फिर इंतज़ार करें। शगुफ्ता, आप आपकी सहरी बना रही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे मैं काम नहीं करती, मैं आमिर को खाना नहीं देती। आप बता दें वजह क्या है, मैं खाना आपको क्यों नहीं बना के देती? क्योंकि तुम बनाते नहीं हो। नहीं जी, आप मेरे हाथ का खाना खाते नहीं। आपको पराठे बड़ी बेगम के हाथ के पसंद हैं, सालन बड़ी बेगम के हाथ के पसंद हैं, चाय बड़ी बेगम, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी बेगम के हाथ की पसंद नहीं है खाने में? तो उसने भी तो वही वाली चीज़ सीखी ना जो हम खाते थे। तो उसने आपकी अम्मा जी से सीखी, अब मैं तो किसी से नहीं सीख सकती थी ना, और वो अपनी सीक्रेट रेसिपीज जो मुझे सही करके देती भी नहीं है। मैं पराठा बनाती हूँ, आप कहते हैं नरम है, वो बनाती होता है कड़कड़ वाला फजूल सा पराठा, तो आपको वही वाला पसंद है, मैं क्या कर सकती फजूल सा पराठा। चले जी, अभी लोग इसमें कमेंट्स में बताएंगे कि जो क्रिस्पी पराठा होता है, बल वाला पराठा, वो बेस्ट होता है या ये नरम सी रोटी जिसको घी लगा दिया जाए। चलें जी, आप जीते मैं हारी, मैं अपनी सहरी खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आमिर साहब, सहरी मज़ेदार है, पराठे मज़ेदार हैं, मैंने बनाए आपको पता है? अच्छा, हाँ जी, आप यही थे, मैं भी यही थी, बस मैंने बनाए हैं ना शगुफ्ता पे, मैं बना के दे के आई थी ना आपको। आपने बाजार से मंगवाए, अपना अपने लिए तो बाजार से मंगवाया, हमने घर में बनाया। थोड़ी सी इज्जत रख ले मेरी, कैमरा तो थोड़ी सी बात पहले बता दीजिए। क्या बता चुकी हूँ मैं कि मैंने बाजार से मंगवाया पराठा? नहीं, वो ये वाले तो मैंने बनाया ना, मैं ये कह रही हूँ। हाँ, मैंने बनाया ना, बिल्कुल भी नहीं मैंने बनाया। भिंडी किसने दी थी आपको? कोपूपो ने दी थी। कौन सी कैंडी थी? फातिमा के लिए थी, मुझे नहीं दी थी, मम्मी को नहीं दी थी। सहरी खा ली आपने? आपको टेस्टी लगी? झूठी कब खाई आपने सहरी? आपने तो वो अभी खाए हैं, वो गंदी सी चीज़ें लाई थी जो बाबा के शॉप से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा है आप सबकी। तो पहली सहरी जो है हम लोगों ने कर ली है माशाल्लाह से सब ने। ये देखिए फातिमा भी बैठी है। फातिमा, आपने सहरी की है? सहरी में क्या खाया आपने? तंग किया, तंग सहरी के लिए। क्या खाया था आपने? पराठा खाया था, पराठा खाया, चने, दही, योगर्ट, योगर्ट, योगर्ट। फातिमा की मस्ती है, देखें जरा ये पीछे पीछे तो देखो किधर पीछे। आज हमने जल्दी कर ली है ना सहरी, जल्दी कर ली, जल्दी उठ गए थे ना। कल जरा 15 मिनट और लेट उठ जाना आप। नहीं नहीं, 15 मिनट क्यों लेट, बस इसी टाइम पे उठेंगे। आज आप 3:30 बजे उठी है ना कल, ये है कि आराम से ही होता है कि तहज्जुद वगैरह भी पड़ी जाती है। हाँ, ये तो है थोड़ी, फिर वो ये आटा वगैरह फ्रिज में रखा हुआ होता है तो वो जरा नरम हो जाता है, ठंडा ठंडा होता है। बीबी आपने कर लिया रोजे हानिया का? हानिया हानिया ने
भी रख लिया मुर्गा रख। ये सारी रात की जागी हुई है, अब आप जाने और ये जाने, मैं तो जा रहा हूं। हम तो करने लगे हैं गुड नाइट, बल्कि गुड मॉर्निंग। तो फातिमा जाने और फातिमा की मम्मा जाने। नहीं, बड़ी मम्मा जाने और फातिमा जाने, भाई मैं जा रही हूँ, मेरी बात सो गई है, सारी रात एक मिनट के लिए नहीं सोई, वो अभी भी सोने को तैयार नहीं है। मैं जा रही हूँ, फातिमा बाय बाय, फातिमा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आमिर साहब को देखे, आमिर साहब यहाँ लेटे पड़े हैं। आप नमाज पढ़ ली आपने? नहीं अभी नहीं। तो फिर यहाँ क्यों लेटे हुए हैं, उदास हुए हुए हैं? बस पता था अब्बू की याद आ रही, हम भी अभी उस रूम में बैठ के सारे याद करके आए हैं। सहरी करते थे हमारे साथ, अफ्तारियाँ करते थे, कभी इधर कभी उधर, याद तो आती रहेगी ना हर हर मौके पे। नमाज पढ़ लें आप, हम अभी वहाँ पर बैठे हुए थे, सहरी खा रहे थे, तो सब याद कर रहे थे उनको, उनकी बातें, वो सहरी खाते थे, पिछले साल उन्होंने कुछ रोज़े भी रखे थे, तो बस यादें ही रह जाती हैं फिर इंसान के पास। ज़ाहिर है फिर इंसान कभी ना मिलने के लिए बिछड़ जाता है। अल्लाह ताला उनको वहाँ पर बहुत खुश रखे और तमाम मरहूमें उनकी मगफरत फरमाए, उनके बुलंद दर्जात करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे सबको। आखिरकार इस जहान को छोड़ जाना है। मोबाइल को पकड़ पकड़ के बाजू थक जाता है। सुबह की अजानें हो रही हैं, मैं नमाज पढ़ूँ फिर मैं सोऊँ, मुझे बहुत शदीद नींद आई है, और फातिमा ज़ारा अभी भी सोने को तैयार नहीं है। सब सोएंगे तो इंशाल्लाह वो भी सो जाएगी। बस आज का व्लॉग यहीं तक, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।